अच्छा सुनिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए नल बजे। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, नर्मदा धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय। जितनी बार हम हरि का नाम अपने जीवन से लेते रहेंगे उतने ही हमारी जीवा ही पवित्र होती जाएगी और हमारी जीवा में शक्तियां उत्पन्न। नर्मदा जी का नाम लो, आशीर्वाद लो। ये जीवा से जितनी बार माँ नर्मदा के नामों का उच्चारण करेंगे उतना ही हमारा मन निर्मल होगा, कोमल होगा और जीवन हमारी जीवा पवित्र होती जाएगी। तो जो बोलोगे अपनी जीवा से वो सत्य होगा, सत्य प्रमाण होगा, क्योंकि बारंबार अपनी जीवा से माँ नर्मदे 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 करके पुकारते जाएंगे उतना ही हमारी जीवा पवित्र होती जाएगी, हमारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, हमारा मन मंदिर जो है वो साफ होता जाएगा। हमारे हमारे सबके मन में कचरा भरा है। मैं आप सबकी बात नहीं, मैं अपनी की बात कहूँ। ये नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मतलब मैं भी बहुत उच्च कोटि की हूँ, बहुत छोटा तो निम्न कोटि की मानती हूँ अपने आप। गुरबाणी में कहा है, मानव जन्म अनमोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़ बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु। आप जिनको मानते हैं उनका नाम लीजिए, जिनको मानते हैं आप उनका नाम तो लीजिए, उनके नामों का अनुसरण तो कीजिए, उन्होंने जो शास्त्रों में बताया है उस हिसाब से अपने जीवन तो जिए, है ना। इतना अच्छा कुंभ का पर्व लगा है, प्रेम पूर्वक श्रद्धालु भक्तगण आराम से एक दूसरे का सपोर्ट करें, खड़े रहें, आए दर्शन करें, आशीर्वाद सबसे। सारे जितने भी संत महात्मा कुंभ में है आशीर्वाद दे, उनके चरणों की रज अपने सर में खुद लगाती हूँ। मैं अपने आप को संत नहीं मानता, मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे मेरा। कबीर जी ने कहा है, वाणी ऐसा बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे सो आपको भी शीतल हो। ये वाणी ही जो है हमें राज कराएगी और यही वाणी हमें क्या कराएगी, जमीन चटा देगी, है यही वाणी हमें राजा भी बना देती है, यही वाणी हमें रंक भी बना देती है। ठीक है, तो सब प्रेम पूर्वक ऐसे शांति से आए और शांति से जाए। आज का तीसरा दिन है कुंभ का, कल मैं मिलूंगी भी नहीं, यहाँ पे आऊंगी नहीं, कल सुबह मेरी विदाई हो जाएगी। मैं तो उड़ता पक्षी बहता पानी हूँ, बस भगवान के नामों का स्वाद जो है जन जन को पहुंचाती हो, मुझे किसी से कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो आप सभी परिवार, मैं किन्नर हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं, मगर मेरा जो है वो आप सब है, आप सब मेरे परिवार हैं, मैं आप सबको अपना परिवार मानता हूँ। क्या लेकर आई हूँ इस दुनिया में और क्या लेकर जाऊंगी, कौन क्या लेकर आया है। हम आए थे तो कुछ लेकर आए हम इस दुनिया में, कुछ नहीं लाए हैं ना, और क्या लेकर जाएंगे इस दुनिया से, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। तो अपने जीवन को सिर्फ सार्थक करना है, निरर्थक नहीं करना है, है ना। मैंने
कल भी परसों भी और पहले दिन भी यही उदाहरण दिया था कि कमल के पुष्प की भांति अपने जीवन को बनाए। कमल का पुष्प संसार रूपी कीचड़ में खिलता है, चढ़ता कहाँ है? भगवान श्री हरि के श्री चरणों में चढ़ता है, माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ता है। तो हमारे अपने जीवन को भी उसी कमल के पुष्प की तरह बनाना है और जाना है वापस चढ़ के भगवान श्री हरि के श्री चरणों में पहुंचना है। ठीक है, शांति से एक बार फिर से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर नर्मदे। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।